हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप। अब आप हमारी सभी वीडियोस गुरुकुल हब के साथ साथ अन एकेडमी पर भी देख सकते हैं। वहां पर ऑल टाइप की कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, SSC हो, CTET हो या फिर UPTET। उसके लिए आपको अन एकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी कोर्सेज और सभी वीडियोज आप देख सकें। सो गाइज, RRB ग्रुप डी का जो आज एग्ज़ाम हुआ है 18 सितंबर 2018 शिफ्ट 1 का, तो कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है, और यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और इसकी आप फ्री PDF डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, गुरुकुल हब चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर मैं जो भी इम्पोर्टेंट है PDF वो सभी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं व्हाट्सअप के जरिए आए हैं, मेरे टेलीग्राम ID पर आए हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है यजुवेंद्र चहल, ठीक है, किस खेल से संबंधित है, तो एक क्रिकेट से संबंधित। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि नैनीताल झील कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में है नैनीताल झील। एक क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लैक हिल बुक के लेखक कौन है, तो ममंग दाई। देखिए, इस क्वेश्चन के पीछे कुछ डाउट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो मिल पाया कि ब्लैक हिल बुक के लेखक कौन है, ठीक है, तो मैंने जो गूगल पे सर्च किया है तो उसमें ममंग दाई नाम ही सामने आया है। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कुछ और है, तो मुझे तो ममंग दाई ही नाम वहाँ पर मिला है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और बताया था कि राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि आप याद करके चले झारखंड के, छत्तीसगढ़ के और सेवन सिस्टर्स के बारे में बताया था कि 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ठीक है, नागालैंड और तेलंगाना के याद करके चले। तो देखिए यहाँ पर इसको पेपर में पूछ भी लिया गया है, तो वो PDF भी आप देख लीजिए, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है। क्वेश्चन पूछा गया कि मुरादाबाद स्मार्ट शहर किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है मिनी माटा रोग से संबंधित, अब क्वेश्चन क्या है एग्जैक्ट वो नहीं मिल पाया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने प्राप्त किया, अब दादा फाल्के पुरस्कार काफ़ी सारे क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, अभी विनोद खन्ना जी को भी मिला है, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, श्रीदेवी को भी मिला है, तो अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है कि हमारे पास क्या है। हालांकि इसकी मैं शाम तक फ्री PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मॉर्निंग में शाम तक मिल जाएगी, जहां पर हम नेशनल अवार्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो डिस्कस करेंगे, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये भी डिस्कस करके चलेंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हब के साथ, दोनों के साथ बने रहें। क्वेश्चन पूछा गया कि हुसैन सागर झील कहाँ पर है, हैदराबाद में है। टिम साउथी एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर हैं, किस देश से संबंधित हैं, तो न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है गुलाम वंश का संस्थापक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है, भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एप्पल के CEO, क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, कल भी पूछा गया था एप्पल के CEO कौन है, आज के एग्जाम में भी पूछा गया, टिम कुक, ठीक है, एप्पल के CEO। फिर पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से क्वेश्चन पूछा गया, 8 मार्च है ना। हरियाणा के राज्यपाल, देखिए ये भी मैंने बात बताई थी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, विभिन्न आयोगों के प्रमुख, अध्यक्ष वगैरह याद करके चले, तो राज्यपाल से क्वेश्चन आ गया सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया कि हैलोजन तत्व किस समूह को कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि परमाणु संख्या को लेकर किसने तत्व का वर्गीकरण किया है, तो वो किया है हेनरी मोसले, जिन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया है, जबकि परमाणु भार पर किया है, परमाणु भार के आधार पर किया है, एटॉमिक वेट के आधार पर किया है, ठीक है, वो किया है मेंडलीव ने। मेंडलीव की आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं, ठीक है, तो मेंडलीव ने किया है परमाणु भार के आधार पर, जबकि परमाणु संख्या के आधार पर हेनरी मोसले। नेक्स्ट है कि बेस्ट एक्टर 2018, ठीक है, अब ये ऑस्कर अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर बेस्ट एक्टर हैं गैरी ओल्डमैन, डार्केस्ट आवर फिल्म का नाम था डार्केस्ट आवर, उसके लिए मिला है ने गैरी ओल्डमैन को ऑस्कर अवार्ड 2018 का। और नेशनल अवार्ड की बात करें तो वो मिला है रिद्धि सेन को, ठीक है,
रिद्धि सेन को, जो कि बंगाली हैं, बंगाली मूवी के लिए मिला है, ठीक है, याद रखेंगे नेशनल अवार्ड। फिर आता है क्वेश्चन कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो 3 बार इंडिया ने जीता है, ठीक है, 3 बार इंडिया ने जीत चुके हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। सबसे पहले भी इंडिया ने जीता था, मोहम्मद कैफ उस वक्त कैप्टन थे भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के, तो 3 बार अभी तक इंडिया टीम अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुकी है। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे कोमल और सरल पदार्थ, ठीक है, सबसे कोमल धातु, ठीक है, लिथियम, ठीक है, लिथियम हो जाती है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया रीजनिंग में, 31 फरवरी 1952 को कौन सा दिन होता है, वही कोडिंग वाला क्वेश्चन है, कोड वाला, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कैलेंडर की, आप देख लेना, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया 20, 28, 108, 105 का एलसीएम, बहुत आसान क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है, सिंपल आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, इजिली आप कर पाएंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, जे पी नंदा जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि 26 मार्च 2006 को कौन सा दिन था, 26 मार्च 2006 को, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन, कोडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप करके चलेंगे। आगे आता है कि देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, तो ये मणिपुर में खोला जा रहा है, जिसका पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने ये पढ़ाया था आपको करंट अफेयर के टाइम पे, तो बोला था कि क्वेश्चन बन रहा है, संभावित है एग्जाम में पूछा जाना, और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले पेपर में भी अभी ये पूछा जाए, ग्रुप डी के अभी शेष पेपर हैं तो उसमें भी दोबारा पूछा जा सकता है, कि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है मतदाता डे, ठीक है, कल भी पूछा गया था विश्व मतदाता डे कब मनाया जाता है, तो ये है 25 जनवरी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या है, द मास ऑफ सेल्स दैट फॉर्म द बॉडीज ऑफ ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है, तो टिश्यू के बारे में क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 2018 में होली फेस्टिवल किस डेट को मनाया गया था, तो 2 मार्च को मनाया गया था, ठीक है, तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है अब ये, तो आपको व्यवहारिक ज्ञान इतना तो होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन का कुछ पता नहीं जीके जीएस में या जनरल अवेयरनेस में क्या पूछ लिया जाए आज की डेट में। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है, तो वो होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। राजस्थान आईपीएल टीम के कोच कौन है, तो पैडी ऑप्टन राजस्थान जो आईपीएल टीम है उसके कोच हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी ह्यूमन बॉडी में, तो वो होती है फीमर, जो कि जान की हड्डी होती है, सबसे बड़ी फीमर, और सबसे छोटी होती है स्टेपीज, जो कि होती है कान में, ठीक है, सबसे छोटी याद रखेंगे, स्टेपीज ट्रेंडिंग बन रहा, पूछा जा सकता है, जब बड़ी पूछा गया है छोटे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कल पूछा गया था सबसे कठोर धातु हीरा, आज पूछा गया सबसे कठोर पदार्थ या धातु, ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ कल पूछा गया था हीरा, और आज पूछा गया सबसे कठोर तो लिथियम, ठीक है, तो पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन इंटररिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और क्वेश्चन है कि हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग विच रिएक्शन, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो गाइज ये अभी तक क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं ओवरऑल स्टी 1 का जो एग्ज़ाम है आरबी ग्रुप डी 18 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का ट्रेंड बनना है क्वेश्चंस का, और मैं बारी बारी से आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की वीडियो ला रहा हूँ। जैसे सुबह मैंने आपको चीफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया, ठीक है, मैंने उसमें बताया कि जो विमेन जो देश हैं उनके प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो कौन कौन हैं, ठीक है, और उसमें मैंने बताया कि भारत के जो विभिन्न आयोग हैं उनके प्रमुख कौन हैं, उनके अध्यक्ष कौन हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो, ठीक है, उसकी पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड कराई थी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो सभी स्टूडेंट ने डाउनलोड कर ली होगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, क्योंकि हम इसी तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, पेपर को एनालाइज करने के बाद आपके लिए जो ट्रेंडिंग बन रहा है, जो एग्जाम में पूछा जाने वाला संभावित मटेरियल बन रहा है, वो भी प्रोवाइड करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यही था ओवरऑल, अगर बात करूं मैथ्स की और रीजनिंग की, तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, हालांकि मैथ्स और रीजनिंग का प्रॉपर क्वेश्चंस तो मिल नहीं पा रहा, लेकिन ओवरऑल जो हमें फीडबैक मिल रहा है स्टूडेंट्स का, वो यही मिल रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो है मैथ्स और रीजनिंग में कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा, एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए,
ठीक है, एक दो क्वेश्चन की बात तो नहीं है, ठीक है। बाकी अगर मैथ्स की बात की जाए तो 20 प्लस का स्कोर आराम से आप कर सकते हैं, 20 से ज़्यादा अटैम्प्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, 22 23 तक भी स्टूडेंट करके आ रहे हैं। वहीं रीजनिंग में भी सेम यही स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग में कोई समस्या नहीं है, समस्या आती है जीके जीएस में, जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि वहीं से ट्रेंडिंग का पता भी चलता है। क्लियर गाइस, तो आज की इस वीडियो में बस अभी तक इतना ही। स्टेज वन का जो शिफ्ट वन का पेपर था उसमें यही, अभी शिफ्ट टू का पेपर भी आपको अभी जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।